हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं जैसे आपको बताया था कि नया स्पीकर की फिटिंग और उसके बाद इसकी टेस्टिंग किस तरह से है, मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। तो ये मेरा पुराना वाला है, उसके बाद मैं नीचे लगाऊंगा आहूजा का स्पीकर नया वाला। तो इसकी टेस्टिंग सबसे पहले करके आपको सुनाऊंगा, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करूँगा और उसके बाद दोनों को मिला के टेस्टिंग करूँगा। तो तीन स्टेप यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले इस वाले स्पीकर का टेस्टिंग आपको करके दिखाऊँगा, उसके बाद उसको सेपरेट अलग से टेस्टिंग करके दिखाऊँगा, उसके बाद दोनों को चलाऊँगा। तो ये कुछ काम है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें ट्रेबल को कम करते हैं और उसके बाद इसको बेस को फुल देके चलाते हैं। अभी अब दोस्तों इसके आहूजा का स्पीकर लगाते हैं, उसके बाद आपको उसको चला के दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिटिंग हो चुका है और ये जो वायर दिख रहे हैं दोस्तों, इसको इसके लिए सेपरेट अलग से निकाला हूँ और ऊपर वाला बॉक्स निकाल दिया हूँ, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन किस तरह से होगा, एक का प्लस दूसरे का माइनस के साथ ऐड होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये है माइनस, ये एक स्पीकर का माइनस में चला जाएगा, उसका पॉजिटिव, ठीक है, उसका ये पॉजिटिव रहेगा, ये चला जाएगा दूसरे का नेगेटिव के साथ। फिर ये जो रेड कलर का पॉजिटिव है, ये चल जाएगा दूसरे वाले स्पीकर के पॉजिटिव में। तो ये इस टाइप की कुछ सीरीज होगा। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से है करना होगा, तो बारी बारी जाएंगे, क्योंकि एक टेस्ट कर चुके हैं ये वाला स्पीकर का, उसके बाद ये वाला स्पीकर जो मैंने हमने चेंज किया है उसका हम करने वाले हैं टेस्टिंग। तो इसकी आउटपुट कैसा है फुल रेंज में, और उसके बाद इसको चेक कैसे करना है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, क्योंकि ओरिजिनल वाला जो है कंपनी वाला, उसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव ओके रहता है, पर जहाँ पर आपका लोकल हो जाए या तो रिबाइंडिंग होकर आया होगा स्पीकर, उसमें प्लस माइनस का जानने का थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आप ये नहीं जानेंगे प्लस माइनस, तो आपका एक स्पीकर आगे तरफ पंच मारेगा और दूसरा स्पीकर पीछे की तरफ पंच मारेगा, तो आपका पूरी की पूरी बेस साउंड सब पीछे ज़्यादा सुनाई देगा, आगे कम सुनाई देगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो प्लस माइनस का मैं बताऊँगा किस तरह से करना है। तो चलिए दोस्तों इसको टेस्टिंग करते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं। अब दोस्तों इसकी ट्रेबल को खोलेंगे, ट्रेबल को खोलते हैं इसको, अब इसकी साउंड सुनते हैं।
चलिए दोस्तों अब इसके दूसरी वाले स्पीकर को कनेक्शन करके सीरीज में करते हैं इसको, और उसके बाद इसकी दोनों के साउंड आउटपुट सुनते हैं। तो हम चेक करेंगे इसके बाद दोनों का, दोनों स्पीकर लगा के। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। सो गाइस यहाँ पे दो स्पीकर रखा हुआ हूँ, तो इसको करने वाला है हम सीरीज में। तो ये जो है इसमें आपका प्लस माइनस मिट चुका था, तो मैंने एक बैटरी से या तो आपका जो मोबाइल चार्जर है 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर उसमें से आप चेक कर सकते हैं, जिधर से प्लस का सप्लाई देंगे और माइनस सप्लाई इधर देंगे तो आपका पेपर ऊपर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ निकलना चाहिए। अगर आप ये उल्टा करेंगे तो पेपर आपकी अंदर की तरफ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके कनेक्शन उल्टे हैं, पेपर आपका बाहर की तरफ आना चाहिए प्लस माइनस देते ही। तो मैंने यहाँ पे चेक किया तो इस टाइप की प्लस माइनस मैंने मार्किंग किया हूँ, और इसमें से ऑलरेडी आपकी प्लस माइनस लिखी हुई है और ये सही होती है। तो ये क्योंकि ये कंपनी की होती है, चेकिंग हुआ रहता है, तो इसके कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप बाद में भी चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कनेक्शन करते हैं। तो किस तरह से कनेक्शन होगा, तो ये मेरा वायर है जो अच्छी क्वालिटी की वायर आप लेंगे, मोटी गेज वाली लेंगे, या तो आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो लगता है वही वायर लीजिए। तो ये एक अच्छा केबल है, अच्छा केबल है। तो इसकी जो वायर है मोटाई बहुत अच्छा है, तो इसको भी ले सकते हैं आप। तो इसकी जो प्लस है वो चल जाएगा आहूजा के स्पीकर में, उसकी प्लस में कनेक्शन होगा, और इसकी जो माइनस है डायरेक्ट माइनस आएगा हमारा स्पीकर सॉकेट से, तो ये माइनस में लगेगा, और उसके बाद यहाँ से प्लस जाएगा इस वाली वायर से, ठीक है, ये इस वाली वायर से प्लस जाएगा और वहाँ पे जाके माइनस में जुड़ेगा, इसके माइनस में जुड़ेगा। तो इस टाइप की कुछ करनी है, तो उसके बाद चेक करके दिखाऊंगा कि दोनों का स्पीकर का पेपर आगे की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए जैसे फटाफट से इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर चुका हूँ माइनस का, क्योंकि माइनस डायरेक्ट लगा हुआ है माइनस के साथ। इसकी दोनों सर्किट आते हैं, एक आते हैं 1+ 1-, तो 1- में लगा हुआ है इसकी नेगेटिव, तो 1- में 1 में हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो कनेक्शन कर रहे हैं, ये वाला माइनस का कनेक्शन हो गया, अब इसकी कनेक्शन करनी है अच्छे से, और रेड वाला का चला जाएगा उसके पॉजिटिव में, इस वाली स्पीकर की पॉजिटिव में, और यहाँ से जो आएगा नेगेटिव पर जो वायर आएगा ये चलाएगा इसकी पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस तरफ से होगा, आपकी पेपर बाहर की तरफ आना चाहिए सप्लाई देते ही, मैं उसको आपको चेक करके भी दिखाऊँगा। सो गाइस देखिए ये कनेक्शन हो गया, तो आप सोचेंगे कि ये ब्लैक कनेक्शन हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव कनेक्शन हुआ है, इधर का प्लस गया है और दूसरे का स्पीकर के लिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इसकी जो पॉजिटिव सप्लाई है ये आके इधर के लिए स्पीकर की पॉजिटिव जो ये है, आप देखेंगे दोस्तों पॉजिटिव इसमें कनेक्शन होगा, इसकी रेड वाली डायरेक्ट आके इसमें कनेक्शन होगा पॉजिटिव में, इधर से जो नेगेटिव जाएगा वो जाएगा इसकी पॉजिटिव में, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कनेक्शन करता हूँ इसको। तो गाइस यहाँ पे होगा कनेक्शन हो चुका है, तो जैसे कि यहाँ पे प्लस में रेड नेगेटिव में ब्लैक कलर की वायर जो कि यहाँ पे आया है इस वाली पॉजिटिव में, दूसरी वाली स्पीकर की पॉजिटिव में, और इसकी नेगेटिव सर। और इसको चलिए दोस्तों इसको फिक्स करते हैं स्क्रू कस के। सो गाइस यहाँ पे फिटिंग हो चुका है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैसे कि आप चेकिंग करेंगे तो इस टाइप की कुछ चार्जर पुराने वाले चार्जर से, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं इसकी प्लस माइनस में। तो यहाँ पे प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस लगाएंगे तो आप देखिएगा स्पीकर थोड़ी सी आगे तरफ निकलेगा, ये देखिए दोस्तों पेपर आगे की तरफ निकल रहा है, ऊपर वाले की भी इस तरह से निकल रहा है, थोड़ा सा आगे निकल रहा है, तो ये मतलब ये आपका सही है। अगर आपका पेपर एक आगे हो रहा है एक पीछे हो रहा है तो आपका गलत कनेक्शन किए हैं, तो आप इसको सही कर सकते हैं। चलो इसको एक साउंड प्ले करके देखते हैं। सो गाइस यहाँ तक भी सुनाई दे रहा है, तो इसके लाउडनेस बढ़ चुका है और मैं पीछे जा रहा हूँ। तो ये हमारा श्रेया है खेलते हुए, मतलब यहाँ तक भी आराम से साउंड क्लियर आ रहा था। तो सबसे पहले जो स्पीकर था उसमें साउंड मेरा दबी दबी आ रहा था, तो बहुत अच्छा है, आप खुद घर पे बना सकते हैं आहूजा का स्पीकर लेके,
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आपका साउंड टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि इसके साउंड बॉक्स और इसकी पंच और इसकी ट्रेबल बेस बहुत दमदार है और क्लियर आउटपुट है। पुराना वाला बॉक्स में मेरे को पहले लग रहा था कि बस उसका नहीं निकल रहा है, लेकिन अभी पता लगा चल रहा है कि स्पीकर में प्रॉब्लम था। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नया से वीडियो में, टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।